जय हिंद एवरीवन, मैं शांतनु राय सबधानी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, क्वेश्चन को हम रीड नहीं कर पाते हैं। जरा एक बार रीड करेंगे क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक वर्ड है साइलेंस, मैं उसको लिख रहा हूं, साइलेंस, एस आई एल ई एन सी ई, एक वर्ड है साइलेंस करके। एग्जामिनर ने क्या बोला कि यदि इसके फर्स्ट यानी ऑल्टरनेट लेटर्स जो हैं, यानी कौन कौन, एस एल एन और ई, यहां पे जो लेटर्स दिए गए हैं ऑल्टरनेट जो फॉर्म में दिए गए, इनको अपने नेक्स्ट लेटर में चेंज कर दिया जाए, और जो इवन नंबर्स पे हैं उनको अपने रिवर्स लेटर पे कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसके बाद जो नया वर्ड बन के आएगा उसमें राइट से फोर्थ लेटर हमारा कौन सा होगा। तो जरा कर लेते हैं। सर, ऑड नंबर वाले को हमको क्या करना है, प्लस वन करना है, इवन वाले को माइनस वन। तो अगर एस में हम एक जोड़ें तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा, एस, और उसके बाद बन जाएगा तुम्हारा टी। आई अभी नहीं करेंगे, पहले हम इवन नंबर्स को करेंगे। एल में एक जोड़ा एम, एन में जोड़ा ओ, और ई में जोड़ा तो एफ। सेम थिंग आई, अब यहां पे ऑड नंबर्स वाले, इवन नंबर्स वाले, इनको पीछे जाना है हमको। तो अब इसमें टी के साथ अगर देखा जाए तो एच, सॉरी ये आई है, तो आई में एक पीछे जाएंगे, माइनस वन जाएंगे एच, ई में माइनस वन जाएंगे तो हमारा आ जाएगा डी, और सी में माइनस वन जाएंगे तो हमारा आ जाएगा बी। तो इस तरह से जो बना हुआ शब्द है, इस दिए गए शब्द में राइट से फोर्थ लेटर कौन सा आएगा, दिस वन इज 1 2 3 4। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी डी आपके ऑप्शंस में अगर है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सारी कंडीशन यहाँ पे मैच हो चुकी। अब आगे की जो वीडियोज होंगी उनमें मैं आपको कुछ और सॉल्यूशंस बताऊंगा, तो इसके लिए आप आगे की वीडियो जरूर देखें।